दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल बन रही है एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं अब तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है। मलबे में कई अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर है। 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे इस वक्त बिल्डिंग में 7 से 8 मजदूर मौजूद थे। हादसा सुबह 8 बजे हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ स्कूली बच्चे भी यहां पर गुजर रहे थे। एक चश्मदीद का कहना है कि कुछ बच्चे भी मलबे में दबे हो सकते हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य जारी है। जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वह रिहायशी इलाका है। ऐसे में रेस्क्यू टीम के लिए राहत और बचाव कार्य मुश्किल माना जा रहा है। हादसे प्लॉट नंबर 754 में हुआ है। वहीं हादसे पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि 6-7 लोगों के फंसे होने का संभावना है। 5 घायलों को हिंदू रॉव अस्पताल भेजा गया है। NDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि आजाद मार्केट के इलाके में शीश महल में इमारत के निर्माण काम चल रहा था। संतोष यादव अमर और दिलखुश ने बताया कि 7 लोग बिल्डिंग में काम कर रहे थे। इनके 3 साथी अमरजीत, नीतीश यादव, कांग्रेस यादव अस्पताल में भर्ती हैं। इनके 7वें साथी का नाम अंग्रेज यादव है, वो भी सुरक्षित है। ये सभी इस बिल्डिंग के पिछले 2-2.5 महीने से काम कर रहे थे। 5वीं मंजिल पर माल ढोकर ले जा रहे थे। ये मजदूर 5वीं मंजिल पर ही जब बिल्डिंग भड़भड़ा कर ढह गई, किसी तरह से 7 में से 4 मजदूर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इनके 3 साथी फंसे रह गए, जिन्हें ये खुद निकलकर अस्पताल लाए। मजदूर का कहना है कि इस बिल्डिंग में ये 7 लोग ही उस समय काम कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे इमारत के गिरने की खबर मिली। बताया गया है कि शीश महल इलाके में हाउस नंबर 754 गिर गया है। सूचना के तुरंत बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद राहत और बचाव काम शुरू किया गया।